पे करो, दादी के पास जाके। हाँ माउथ और हेड लैग ये इसमें से नहीं है, अलग अलग है मम्मी। और बाबू ने काय जिन काय हां हेलो 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 मारा मारी पिटका पटकी। अरे किसको मारे हो? ए ना फट जाएगा कटर, फिर लार सिला है ना। इसको मार, ये कैसी लड़ाई है बता, चोट लग जाए तो। ये कैसा खेल है मारने वाला, गंदी बात। जल्दी आओ जल्दी आओ, ये दो दो दो, यहाँ पे देते हैं, यहाँ आटा दिए, ये देखो आटा दिए, वो चींटी खा रही है, जल्दी आओ ले करके इनको और देना आटा। इधर दो आटा, आटा इधर दो, भागे जा रहे हैं। नहीं देना है गैया को, गैया को बुला के रोटी दो, चींटी नहीं खाएगी रोटी, बस चींटी नहीं खाएगी, आओ गैया को देना। आरस यहाँ दो आटा, इधर आओ, इधर लेके आओ, ये चींटी को आटा दे दो, यहाँ यहाँ देना है, यहाँ पे आओ, हाँ चींटी को दे दो आटा। रोटी नहीं खाएगी वो, चलो लेके आओ, चलो वो गैया को देंगे, वहाँ पे खड़ी है, फेंक दो, फेंको वो खाएगी, कस के फेंको, लेके जा रहे, कस के फेंक दो, फेंक दो, कौन ही गिरी, लो खा लो, वो खा रही है रोटी, वो रोटी खा रही है, भागो रोटी खा ली, चलो चलो भागो, आ चींटी को दे दे। मालिश हो गई है, दोनों लोग यहाँ पे बैट बॉल खेल रहे हैं। बस यहीं तक जुड़ पाता है इतनी दूरी में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी अंबिका पे दिल से स्वागत करती हूँ, मैं हूँ अंबिका, और आज का फुल वीडियो मेरा दोनों ट्विंस बेबीज़ की एक्टिविटीज़ और क्या हरकतें हैं, क्या क्या करते हैं, उसी पे आधारित है आज का व्लॉग, कि मेरे दोनों ट्विंस बेबीज़ की दिनचर्या कैसी रहती है, क्या रहता है पूरा रूटीन उनका। लगभग आधा से ज़्यादा रूटीन मैंने आपको दिखा दिया कि वो लोग क्या करते हैं। तो बस नाश्ता वगैरह कर चुके हैं और पीछे धूप में आए हैं, 1 बजे के बाद खाना वाना दूंगी मैं बच्चों को, सुबह दलिया खाते हैं, दूध पीते हैं, उसके बाद 12 बजे 1 बजे के आसपास खाना खाते हैं दोनों, तो अभी तो खेल रहे हैं। तो यहाँ पे अम्मा बैठी हुई हैं, और कल रात में हस्बैंड जी लाए थे आंवला मुरब्बा बनाने के लिए, वही आंवले को इस तरीके से कांटे वाले चम्मच से कोच रही हैं, तो यहाँ पे आंवले को कोच करके इस तरीके से रखेंगे, तो ये लगभग 1 किलो आंवला है ये, और इस मौसम में तो आंवले का मुरब्बा मज़ा ही आता है। अगर आप कोच रहे हो घर पे इस तरीके से मम्मा कर रही हैं, तो बड़ा सावधानी से करना है, क्योंकि मम्मा तो एक्सपीरियंस है, मम्मा को आ रहा है कोचना, नहीं तो अगर कहते हैं ना कि सावधानी अगर हटी तो दुर्घटना घटी वाला है, नज़र हटी, जरा सा भी नज़र का हेर फेर हुआ ना तो हाथ पे लग जाएगा, जो भी है। आप इसकी जगह नोक वाला चाकू भी ना मम्मी, चाकू से भी कर सकते हैं ना, ये बांस की डंडी जो नोक वाली आती है उससे भी आप उसको कोच सकते हैं, अगर ये वाले फॉग वाले चम्मच से नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे धूप का मजा ले रहे हैं, और यहीं पे मम्मा ये आंवला यहाँ पे कोच रही हैं, बैठे हुए हैं, अर्श दर्श लगे हुए हैं, मट्टी में ही खेलना उनका, दिखाते हैं।
तो बच्चों की मालिश वगैरह तो कर लिया था, खेल रहे थे ना, तो एकदम पानी पा गए थे, दोनों लोग पानी अपने ऊपर गिरा रहे थे, तो कपड़ा चेंज करना पड़ गया था इनका, तो कपड़ा चेंज करके फिर मैं बाहर लाई, तो फिर लग गए मट्टी में खेल, मट्टी उठा उठा के नाले में डालना, साइकिल पे डालना, मतलब मेरे बच्चे ना जिस तरीके से खेलते हैं उसका कोई वो नहीं है, मैं रोकती भी नहीं हूँ, बच्चे खेले बैठे, मट्टी वगैरह भी छूना चाहते तो छुए, क्योंकि बच्चे जब सीखेंगे कैसे, उनकी इम्यूनिटी इसी सब चीज़ों से तो मजबूत होगी। दिन भर में मुझे 3 से 4 बार कभी कभी कपड़े चेंज करने पड़ जाते हैं अर्शदर्श के, तो वही वाला हाल है। तो यहाँ पे अभी मैं इनका कपड़ा बदल के लाई, छोड़ते नहीं कि दूसरे में लग जाते, अभी मैंने झाड़ू लगा के रखा वहाँ पे और ये लग गए, वहाँ से बुला के पकड़ के लाया तो ये लोग झाड़ू में लग गए हैं। जस्ट अभी कपड़े वगैरह है टारना है, चल के कपड़े वगैरह टार लेते हैं। तो मेरे बच्चों का ना दोनों ट्विंस का आजकल बड़ा नया नया है, झाड़ू मिल जाए इनको तो, खिलौना तो छोड़ो, झाड़ू मिल जाए, कूड़ा उठाने वाला जो होता है वो मिल जाए, जूते मिल जाए पापा जी के, चप्पल बड़े साइज़ वाले मिल जाएँ, ये सब में पैर डाल के चलना, झाड़ू लगाना और सामान को इधर उधर फेंकना, ये सब आजकल इन लोगों की एक्टिविटीज़। और आपस में इतना लड़ते हैं, कभी कभी एक ही खिलौने के लिए एक ही सामान के लिए दोनों आपस में जंग लड़ लेते हैं, ये कह रहे मतलब नोच नाच लेते हैं आपस में दोनों, तो ये रहता है। तो बस यहाँ पे सारा कपड़ा मैं टार रही थी, अम्मा अभी भी बैठ के आंवले का ही मतलब निकाल रही थी, तो मैंने कहा कि मम्मा रुक जाइए मैं भी आती हूँ, ये कपड़े जो सूख गए हैं जितने उसको लेके मैं टार देती हूँ, उसके बाद फिर मैं भी आके अम्मा के साथ हेल्प कराऊँगी। तो बस यही था, तो फटाफट से कपड़े देख रही थी, जो गीले हैं उसको रहन दे रही थी, जो सूख गए थे उनको फटाफट से यहाँ पर उतार ले जाऊंगी, अंदर समेट के रख दूंगी। अब देख लीजिए, एक बरसीखी वाली झाड़ू ले लिए, छोटे वाले फूल वाली झाड़ू ले लिए, बच्चों को पता नहीं क्या झाड़ू में मज़ा मिलता है, खिलौने नहीं चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने कपड़े अंदर रख दिए, तय करके नहीं रखे, बस ऐसे ही मैंने रखा है चेयर पे। फिर मैंने कहा मम्मा अकेले कर रही हैं आंवला को, लाओ मैं भी सीख लूँगी इस तरीके से, तो मैं भी अम्मा के साथ मिल करके आंवले को इस तरीके से कोचने लगी, खूब अच्छे से हमें उसको खूब कोच देना है, एकदम से कहीं मतलब एकदम कोचना है ताकि उसका रस पूरी तरीके से निकल जाए। और फिर उसको पानी में 24 घंटे के लिए भिगोना पड़ता है, जैसे अगर आज 3 बजे कोच देंगे सारा आंवला, कोचने के बाद 3 बजे हम लोग पानी में भगोने में रख देंगे, तो अगले दिन 3 या 4 बजे ही इसको बनाना रहता है, तो 24 घंटे पानी में भिगो के रखना रहता है। बहुत हाँ, यू जू 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 ये लग गए, हाँ चुचू चुचू क्या कर रहे हो, सुसु कर दिए, नोजू बहाए हैं पूरा, हाँ ये नोजू पोछो, आज ये लो नोजू पोछो, नोजू छी नोजू। बच्चों का नाक बहने लगता है, सर्दियाँ आती नहीं कि नाक जुखाम खांसी बुखार ये सबसे, एक माँ को लड़ना पड़ता है बच्चों की बीमारियों से, ठंडियाँ शुरू होते ही ये यहाँ लगे हुए हैं, ये 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 लाए पार्टी यहाँ आ गई है, ये टुक टुक भी यहाँ है, ये है नर्स गोदी में बैठे हैं दर्श, ये पूरा बच्चा पार्टी, रिद्धि भी कह रही है मम्मा मुझे भी करना है, अभी और है बहुत सारे, अभी ढेर सारे हैं, ढेर सारा करना है, मैं और लेऊंगी, क्या लिए हो, ला 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 चम्मच नहीं लेते, अरे दोनों की लड़ाई, बाप रे बाप, टुक टुक कहाँ जा रही, टुक टुक नहीं जाना बाहर, इधर आओ बाप लोगों के साथ खेलो, चल रहा है यहाँ। तो आंवले को कोच करके सारा पानी में भिगो के हमने रख दिया है, और बाहर से कपड़े सारे टार के अच्छे से समेट के रख दिए हैं, और बस यहाँ पे अर्शदर्श फिर से खेल रहे हैं, उनकी दीदी खेल रही हैं, दीदी दे रही है बॉल फेंक रही हैं और बैटिंग उनकी दीदी कर रही हैं, तो इस तरीके से खेल रहे हैं। और अम्मा है सामने वाली भाभी जी, उनके साथ यहाँ पे पंचौरा कर रही है और साथ में मटर भी छिल रही हैं, तो इनका इधर यही चल ही रहा है, हम अपने काम में लग जाते हैं। टुक टुक का कपड़ा बदला मैंने, और उसके बाद इस तरीके से बाल्टी बनाया हुआ है, टुक टुक का ये बाल्टी है और ये रिद्धि की बाल्टी है, ढक्कन अभी पता नहीं कहाँ है, अंदर का रूम मैंने सेट कर दिया झाड़ू वगैरह लगा करके, ये कुछ खिलौने अभी यहीं पड़े हुए, इसको भी रखने हैं बास्केट में, बाकी यहाँ का पिलो वहाँ रखा हुआ है, बैठ करके वहाँ पे मैं कटिंग कर रही थी वीडियो का। इस तरीके से कुछ पैजामे गीले हैं हल्के हल्के, वो हीटर के सामने मैंने रख दिया ताकि अच्छे से गर्माहट पड़ जाए तो सूख जाए, तो इस तरीके से काम चल रहा है।
जो मेरी हैं वो बतिया आ रही हैं, सासू माँ बाहर आई हैं लेडीज, उनके साथ जैसा कि मैंने दिखाया फेस नहीं दिखा सकती। तो पता नहीं क्या इतना साल हो गया मुझे रहते हुए, मैं पंचौरा चरा नहीं करती, मुझे पता नहीं क्यों हैबिट ही नहीं है। मतलब हाँ ठीक है, हाल चाल हो गया बस इतना ही है, लेकिन बैठ के घंटों बातें करना मुझसे नहीं हो पाता है। पता नहीं क्यों, घर के इतने काम, बच्चों को संभालना, ये सब रहता है उसी में। तो बस झाड़ू वगैरह लगा लिए थे, तो मम्मा बातें कर रही है, मैं चल रही हूँ किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए। अपने लिए दूध गर्म हो गया है, दूध आया था तो बस यहाँ पे मैंने अपनी कॉफ़ी बना ली थी, दूध और कॉफ़ी चीनी डाल करके। दूध अभी अभी जस्ट गर्म करके रखा था ना भाई, तो इसको मिला लेते, चीनी डाला था मैंने। इस तरीके से मैं कॉफ़ी बना के पीती हूँ। तो चलिए अंदर आराम से बैठ के कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं, कभी कभी मूड कर जाता है ठंडी में। वैसे अक्सर मैं चाय ही पीती हूँ, जब भी मुझे पसंद होता है चाय ही मज़ा आता है, बट कभी कभी मन कर जाता है तो कॉफ़ी भी पी लेते हैं, यही वाला हाल है। तो चलिए फिर मिलते हैं कॉफ़ी पीने के बाद। नंबर वन, एक नंबर की कॉफ़ी बनी हुई है, बता सकते एक नंबर ना, चेक करिए भाई, चेक कैसे करें, टेस्ट कैसे करें, आप ही बना के घर में पीजिए। कॉफ़ी पीने का अपना ही अलग ही मज़ा है, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं, रोज़ चाय। तो अकेले तनहा बैठ करके कॉफ़ी पिया जा रहा है, बच्चा पार्टी बाहर खेल रही है, टुक टुक गई है साइकिल चलाने, अम्मा बाहर बतिया रही है, मटर भी छिल रही है साथ में, घर के बाकी जो काम थे फटाफट से मैंने कर लिए, बर्तन वगैरह भी धुल लिया है मैंने, पानी आ रहा था आज तो हमने, वैसे तो 6 बजे आता है तब धुलते हैं, लेकिन आज पानी चल रहा था आ रहा, तो मैंने कहा चलो भाई मौके पर चौका मार लिया जाए, फटाफट से बर्तन क्लीन कर लिया जाए, सारा बर्तन खाली करके धुल दिया है। चम्मच इस तरीके से ना ले करके, पीने का बचपन वाला समय याद आ गया। पहले हम क्या करते थे, चाय लेते थे उसमें लाइट खूब भर करके चम्मच एकदम चला करके खूब मज़े से खाते थे। एक बात होती है ना, हम उम्र भी नहीं है यहाँ पे कोई, एक दो लोग हैं तो उतना ज़्यादा नहीं है मेरा कनेक्शन बात करने के लिए, बाकी सब आंटियाँ एज की हैं तो मेरा कनेक्शन नहीं बैठ पाता उनसे बात करने के लिए। तो अम्मा ही हैं, कहते हैं इधर की उधर फुसफुसाई वाली बातें ये मुझसे नहीं हो पाती है, सुनने में बड़ा मजा आता है लेकिन हो नहीं पाता मुझसे, पता नहीं क्यों, कौन किसी से नहीं हो पता, कमेंट करके जरूर बताइए ठीक है ना। ये फुसफुस वाला काम, चुगलखोरी वाली बातें, इसकी चुगली उसकी चुगली, इसकी बुराई उसकी बुराई, यार सुनने में बड़ा मजा आता है लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है। पहले हो जाता था, ऐसा नहीं कि अब नहीं हो पा रहा, पहले हो जाता था, बट अब ना ये एक दो साल से ना अकेले रहने और अकेले बच्चों में ही रहने से ना ये चुगलखोरी वाली आदत मेरे अंदर से चली गई है। परिवार में चुगलखोरी चल सकती है लेकिन पड़ोसियों में क्या चुगलखोरी करके समझ नहीं आता है, और अपने घर के रास्ते पड़ोसी को बताने नहीं चाहिए, सच्चाई आप पड़ोसी से या किसी से भी नहीं बताना चाहिए। तो ये है, हाँ मज़ा मज़ा मिल रहा चाय पीने का, कॉफ़ी पीने का, चाय नहीं कॉफ़ी है। पार्टी बैठे हुए हैं, रिद्धि अपना होमवर्क करके बैग रेडी कर लिए हैं ट्यूशन पढ़ने जाने के लिए, और यहाँ टुक टुक अपना बैग लगा रही है, इधर उधर पूरा फैलाए हुए हैं, घर साफ कितनी बार कर लो फिर फैल जाता है, वही वाला हाल है। टुक टुक अभी पढ़ रही थी, और अम्मा कहाँ गई, अम्मा कहीं बाहर घूमने, क्या दादी हाँ ग्राउंड साइड गई होंगी तो घूमने के लिए गई हैं अम्मा, और घर में बच्चा पार्टी इस तरीके से मस्ती कर रहा, मस्ती। तो बस 4:30 बजने वाले हैं, तो चल के अर्शदर्श को दूध देते। मुझे बैग लगाना है। लगाओ बैग अपना, फटाफट से लगाना सीखो, अब तो खूब बड़ी हो रही है, बैग खुद से लगाना चाहिए। तो बस 4:30 तक अर्शदर्श को दूध भी दूंगी मैं, दूध पी लेंगे। रख दियो गो, रख दू, उधर नहीं बाबू लोग कोचेंगे, इधर नहीं फेंकते बेटा, बाबू लोग हाथ में लेंगे कोच लेंगे। चलो अभी गाओ, इनका ये ड्रामा चल रहा है, उधर टीवी लगा रही है, दर्श दूध पी रहे हैं, अर्शवा मम्मी गाना लगा रही है। गाओ मम्मी, कौन सा गाना गाएंगे, का गाई कुछ हो गाओ जो नीक लागत हो। मम्मी मैं जाऊँ सागर चलाने, अभी नहीं जा रहा है, जाओ नहीं चार, अभी 4:30 भी नहीं हुआ, 4:30 बजे जाना है साइकिल चला रहे, मम्मी गाना याद करते हुए कि कौन सा गाना गाए, अभी गाना गाने जा रही है, मम्मी को याद आ गया गाना कौन सा गाना है फाइनली। चलो दादी रे, छठे बुलाऊ बे बरही बुलाऊ बे आसाद भैया तोहे रोजे बुलाऊ बे। आगे गाओ, तिल के बोलो बारा ते बोलो
दिल के बुलौ बे बराती बुलौ बे बोलो सार भैया की जय। बब्बी तो मम्मा बच्चों का जो ढोलक बजाने वाला खिलौना था ना उसी से बजा के गा रही थी और बहुत अच्छा गाना लगा। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आसान माई का ये गीत था, दुदुरिया माता भी बोलते हैं। तो बस यहाँ मम्मा का पैर दर्द हो रहा था तो पैर दबा रही थी और यहाँ पर रिद्धि टुक टुक अपना डांस इंजॉय कर रहे थे टी वी में लगा करके। तो चलिए फिर इस व्लॉग को यहीं पेंट करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन हिट करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं डालूं तो आपको मिल जाया करे उसका नोटिफिकेशन। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।